अगर आपसे कोई पूछे कि भ्रष्टाचार की हाइट क्या होती है तो आप कह सकते हैं कुतुब मीनार से ऊंची। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं न्यूज़। और चोरी और भ्रष्टाचार के सीमेंट से बनी ये जो आप इमारत देख रहे हैं, बहुमंजिला इमारत, ये 28 अगस्त यानी कल के 2:30 बजे के बाद आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। ये दोनों टावर एपेक्स और सीएन सुपरटेक बिल्डर्स ने बनाया था। बाद में पाया गया कि ये दोनों इलीगल टावर हैं और इसको गिराने का आदेश कर दिया गया। ये गिराए जाने वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है इस वक्त इंडिया की होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट है और ये नोएडा की जो ये आप जगह देख रहे हैं, बहुत घनी आबादी है, 93A सेक्टर यहाँ लगता है। एक तरफ एमराल्ड है सुपरटेक का, सुपरटेक की सोसाइटी है, दूसरी तरफ ATS बिल्डिंग है। और आपको बता दें कि इस पूरी इमारत को जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, इसको गिराने में 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें धमाका कुछ इस तरह से किया जाएगा कि ये जो बिल्डिंग है इसको इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये पूरा ऊपर से लेके नीचे की तरफ गिरे, ना कि अगल और बगल गिरे, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे कि दोनों तरफ जो सोसाइटी हैं उनको कपड़ों से ढक दिया गया है। एक तरफ ATS विलेज है, एक तरफ सुपरटेक का एमराल्ड सोसाइटी है और लगभग 7000 लोग यहाँ पे रहते हैं। और कल सुबह 5 बजे से ही उनको अपनी घर को खाली करने के लिए आदेश दे दिया गया है, उनको यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है। और ये कहा गया है कि जब तक ये सोसाइटी, ये जो बिल्डिंग है, ये गिर नहीं जाएगी, उसके 5 घंटे तक यहाँ पे उनको नहीं रहना है। जो यहाँ के रेजिडेंस हैं उन्होंने भी इसकी पूरी तैयारी जो है अपनी तरफ की तरीके से कर ली है। लोगों ने अपने घरों को सील कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट सामान है जैसे TV है, एयर कंडीशनर है, उसको भी कई लोग जो आसपास के लोग हैं उनको हटा दिया है अपने घरों में से, क्योंकि एक ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी आसपास घनी आबादी है। और भारत में अपने तरह का ये पहला इस तरह का ऑपरेशन है जहाँ दोनों तरफ घनी आबादी होते हुए भी इतने बड़े टावर को डिमोलिश किया जाएगा। जब ये टावर गिरेगा तो क्या होगा? टावर गिरने पर लगभग 30,000 टन मलबा जो है वो निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसको खाली करने के लिए लगभग 1200 ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इतना आसान नहीं है इसको खाली करना, इसको खाली करने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। आपको ये भी बता दें जब ये गिरेगा तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 1000 फीट ऊंचा जो है वो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो उड़ सकते हैं। इसीलिए अथॉरिटीज़ ने जो जितने प्लेन्स हैं उनको भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी ये कहा गया है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह से कोई एयर मूवमेंट यहाँ पे ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 1000 फीट ऊंचा लगभग जो है वो धुआं, जो मिट्टी या जो डस्ट पार्टिकल आप कह सकते हैं, उसके उड़ने का गुब्बार है। और आपको बताएं ये बहुत लंबी कानूनी लड़ाई जो है यहाँ पे आसपास जो एसोसिएशन है, बायर एसोसिएशन है, उन्होंने लड़ा। पहले ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और यहाँ तक कि जब ये पूरा मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर बहुत ही सख्त टिप्पणियाँ की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये अथॉरिटी है वो एक भ्रष्ट निकाय बन गई है, इसकी आँख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे पर से भ्रष्टाचार जो है वो टपकता है। ट्विंस जो टावर है इसको गिराने में लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। ये खर्चा भी सुपरटेक को उठाने के लिए कहा गया है, कोर्ट ने बोला है। इसके पहले कुल लगभग, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें 950 फ्लैट्स बनाए गए थे। इस टावर को बनाने में उस वक्त लगभग 200 से 300 करोड़ का खर्चा आया था, ऐसी अनुमान है। लेकिन गिराए जाने से पहले, जब इसको गिराए जाने से पहले इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हालांकि जब इसके ऊपर विवाद बढ़ा तो इसका मार्केट वैल्यू बहुत गिर गया और इसमें लगभग 711 लोगों ने अपना
फ्लैट बुक कराया था। हालांकि अभी 60 से 70 ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे उनका मुआवजा मिल गया है। आपको बता दें ये दोनों टावर जब गिराए जाएंगे उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस के अधिकारी, 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया जाएगा, जिसमें DCP से लगाए ACP रैंक के कई सारे अधिकारी होंगे। हॉस्पिटल्स जो हैं उनको स्पेशली तैयार किया गया है एमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप लोगों को देखेंगे बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, शायद इस टावर के साथ अपनी आखिरी फ़ोटो खिंचवा के रख लेना चाहते हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो नोएडा ट्रैफिक पुलिस है उसने खासा इंतज़ाम किया हुआ है, ये सारे रास्ते कल डाइवर्टेड रहेंगे, ये रूट बंद रहेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आसपास का एरिया पूरी तरीके से खाली कराया जाए। आप देख सकते हैं अभी ये ड्रोन आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, पुलिस हर तरीके से यहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छूट गई है, जो रह गई है। आसपास जो बायर्स माफ़ कीजिएगा जो यहाँ पे एसोसिएशन में लोग रहते हैं, RWA हैं, उन लोगों ने यहाँ पे जितने स्ट्रीट डॉग्स थे या आसपास जो जानवर थे उनको भी यहाँ से रेस्क्यू करके हटा लिया गया है और पूरी तैयारी है इसको ध्वस्त करने के लिए। लेकिन इस टावर के अगर आप गौर से देखें तो इसमें लगभग 3700 किलो विस्फोटक अभी भी लग चुका है। बड़ा चैलेंज ये है कि अगल बगल रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, लोग रहते हैं, 7000 लोग रहते हैं, ये बड़ा चैलेंज है कि इसको ऐसे गिराया जाए कि ये अपनी जगह में यहीं धस जाए, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं है, पूरा इलीगल स्ट्रक्चर है ये जो कि भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत से सुपरटेक ने यहाँ बनाया है और इसको गिराने का आदेश है। कल यानी 28 अगस्त 2:30 बजे के बाद ये दोनों टावर आपको यहाँ नहीं नजर आएंगे।